खंड फिरोजपुर झिरका की सीमा से निकलने वाला दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रीगढ़ गांव की सीमा से सटा इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर पीने के पानी की सुविधा काफी लंबे समय से लोगों को नहीं मिल पा रही है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आने वाले ग्राहक बिना पानी पिए ही निकल जाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पेट्रोल पंप स्टाफ का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जैसे ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मीडिया की टीम पहुंची तो आरा मशीन और वाटर कूलर में एक बूंद भी पानी नहीं मिला। तेल भरवाने के लिए दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और दीगर प्रदेशों से आए हुए लोग पानी पीने की तलाश में इधर उधर भटकते रहे, लेकिन पानी कहीं पर भी नहीं मिला और मायूस होकर निकलना पड़ा। जब इस मामले की शिकायत पंप के मैनेजर से की गई तो उसका साफ कहना था कि मेरी कोई जवाबदेही नहीं है, मैं तो यहाँ पर एम्प्लॉय हूँ। लिखित शिकायत कंपनी को कर चुका हूँ। यह समस्या एक दिन की नहीं है, बल्कि पंप मैनेजर के मुताबिक यह समस्या तब से है जब से इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप चालू किया गया है। इस इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आइए सुनवाते हैं उन लोगों को जो पीने के पानी की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे और साथ में पंप मैनेजर को भी। खेमचंद सैनी, कहाँ से हो? राजगढ़ से। फिर क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? ये यहाँ पानी की सुविधा बिल्कुल ही नहीं है। कौन सी पीने को पानी की सुविधा है ही नहीं है यहाँ। आपको प्यास लग रही है? हाँ, प्यास लग रही है। पेट्रोल पंप पे पानी की सुविधा नहीं है? बिल्कुल ही नहीं है पानी की सुविधा। यहाँ से किसी से पूछा आपने? पूछा ही नहीं है मैंने, पूछा है। अच्छा, कौन सी जगह है ये? कौन सी पता नहीं, जगह कौन सी है? अच्छा, ये हरियाणा में पड़ती थी, मेरे को ऐसे लगा। अच्छा, पानी की सुविधा नहीं है? हाँ, पानी की सुविधा नहीं। किसी पेट्रोल पंप वाले से मालूम किया आपने? बताया किसी? मैंने, और यही नहीं है ना, वो फ्रीजर है सामने। अच्छा, फ्रीज बंद है? बिल्कुल बंद है फ्रीज। अच्छा, हाँ। आप चेक करके आए थे? हाँ, चेक करके आया हूँ मैं। ये दिल्ली बॉम्बे हाईवे का नजारा देखो, पानी नहीं है पेट्रोल पंप पे। ये भाई हैं, कहाँ से, क्या नाम था जी आपका? खेमचंद सैनी। ये खेमचंद सैनी है, यहाँ पर रुके हुए हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं गाड़ी में और प्यास लग रही है इसको, और यहाँ पर पानी पीने के लिए जगह वो नहीं, पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है। ये फ्रीज है, ये बिल्कुल बंद है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। बिल्कुल, ये चला रहे हैं भाई, चलाना इसको देखो, ये चला रहे हैं, इसमें पानी नहीं है। पेट्रोल पंप एक ऐसी जगह है जहाँ पर पानी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है। ये देखिए पेट्रोल की भीड़ लग रही है। क्या नाम है? कहाँ से हो आप? राजस्थान से। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ गुजरात। अब यहाँ पे क्यों आए हो आप? यहाँ पे डीजल के लिए, पानी के लिए। अच्छा, पीने के पानी के लिए? तो पानी नहीं है यहाँ पे? नहीं है बिल्कुल भी। तो किसी से पूछा आपने यहाँ पर और जगह पे पानी है? पूछ रहे हैं, कोई बता नहीं रहा भाई पानी कहाँ की नहीं। तो वाटर कूलर में बिल्कुल पानी नहीं है? नहीं, नहीं है। हाँ भाई, पानी पी लो आओ। नहीं है पानी? आप पानी है? नहीं, नहीं है, नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादाब। कहाँ से हो? यूपी। अच्छा, यहाँ पे क्यों आए हो? यहाँ पानी भरने आए। पानी है नहीं यहाँ पे? पानी आया नहीं कहते। अच्छा, नहीं है? नहीं कहते पानी। किसी से पूछा आपने और जगह पानी है यहाँ पे कहीं पे? अभी तो नहीं पूछा कोई। अच्छा, इसमें पानी नहीं है बिल्कुल भी? चलाना ये देखते हैं कि नहीं। ये सर, सर क्या नाम है आपका? राजीव कुमार। अच्छा, कौन सा पेट्रोल पंप है? कहाँ पे? मुंबई एक्सप्रेस। कौन सी जगह है? तो यहाँ पे पब्लिक परेशान है पानी के लिए जी, वाटर कूलर लगा रखा है आपने लेकिन उसमें पानी नहीं है जी। आपको पता है नहीं, जब पेट्रोल पंप की परमिशन ले जाती है तो उसके लिए पानी और हवा जरूरी है, तो फिर यहाँ पे सब चीज सर कंप्लेंट बुक है हमारे पास, हमने इंडियन ऑयल ठीक करा। नहीं सर, फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है ये सर, आप तो लाते हैं लेकिन जो यहाँ पे पब्लिक आती है पेट्रोल, किसी को प्यास लग जाए तो सर आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है? सर इसमें मेरी जिम्मेदारी क्या है आप बताइए ना मेरे को। नहीं बनती सर, वो मैं ठीक कराऊंगा, मैं तो सर यहाँ पर वर्कर हूं। अच्छा, आप नहीं मैनेजर हो? लेकिन ये कब से दिक्कत आ रही है? कब से दिक्कत आई? जब से दिक्कत है आपने कितनी बार लिखा है पेट्रोल पंप उसको? वो सर जो कंप्लेंट जाता है कंपनी को आपने मेल के द्वारा या लिखित में कितनी बार लिखा है? विकास जी है सर अफसर, उनको भी बता रखा, जो कंपनी के जो ये रूट पे चलते हैं उनको भी बता रखा, वो भी आया कस्टमर से मिलवा भी रखा उनको, वो कह रहे हमारा बजट पास हो चुका है, इसका लगने का लगना बाकी। कब तक लग जाएगा ये सर? मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं नंबर दे देता हूँ।